अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बुटीक में आए हुए हैं जहाँ पर हम आपको पैकेज दिखाएंगे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं कैप्टन खालिद और इनसे बात करते हैं, इनके बुटीक के बारे में भी बात करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं कि और क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप कैप्टन हैं और कैप्टन होते हुए आपने ये बुटीक का आइडिया कैसे लेकर आए? एक्चुअली जब तक सेल करता रहा शाह पे कैप्टन, उस वक्त तक सिर्फ शिप पे सेल किया, लेकिन जब शोर पे आए और अपनी बिजनेस स्टार्ट की तो फिर आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई कि जितनी मुख्तलिफ बिजनेस हों, जिन चीज़ों में जो इंटरेस्ट था ताकि इस्टेब्लिश करूँ। क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ एक बिजनेस करके यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल, तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश की जिनमें से एक ये बुटीक थी। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि आपके बुटीक का नाम क्या है और ये किस लिए और क्यों रखा? बुटीक का नाम गॉसमेयर है, इज अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब है थ्रेड वर्क। और बेसिकली हमने ये नाम चूज़ किया गॉसमेयर, एक तो ज़रा अट्रैक्टिव नाम था थोड़ा सा, और सेकेंडली हमारा इंटेंशन ये थे कि सुनो लेटर हमें एक्सपोर्ट्स में जाना है, और व्हेन यू गोइंग इनटू एक्सपोर्ट्स तो बाहर के मुल्कों में यू नीड अ फॉरेन नेम, और सिंस गॉसमेयर काफ़ी अट्रैक्टिव नेम था, स्पेनिश वर्ड है, तो हमने कहा इट विल अट्रैक्ट पीपल एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज द रीज़न हमने ये नाम चूज़ किया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि इसके, ये तो आपकी जमजमा पे एक ब्रांच है, इसके अलावा आपकी कहीं और ब्रांच है? नहीं, अभी हमने फिलहाल इसी को कंसोलिडेट कर रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी ये ब्रांच अच्छी इस्टेब्लिश हो जाए और पॉपुलर हो जाए, देन प्रॉब्ली वी विल गो टू अदर प्लेसेस, नेवर नो, पाकिस्तान के अलावा बाहर भी जाएँ, फ्यूचर भी जाने वाले हैं, यानी कि हमारे पाकिस्तान से जितने भी बाहर पाकिस्तानी भाई बहन हैं वहाँ पर जाके इनके कपड़े परचेज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वीट। तो आपने देखा होगा यकीन है, इनसे बात की होगी, और अभी हम हीरा से भी बात करेंगे, हीरा से पूछेंगे उनके डिजाइनिंग के बारे में। तो चलते हैं जी, अभी हमारे साथ गौसमियार की हीरा बैठी हैं और डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर हैं, इनकी ड्रेसेस हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हीरा? आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे इनका नाम बहुत ही पसंद है। जी, मुझे ये अंदाज़ा है, आप बहुत शौक से लेती हैं मेरा नाम। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आप जब ये नाम रख रहे थे बुटीक के, तो कैप्टन साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डिसाइड किया, तो आपने क्या, आपने कुछ नहीं बोला कि नहीं मेरी पसंद से होना चाहिए नाम? एक्चुअली कैप्टन साहब वॉज ऑलरेडी रनिंग एन आउटलेट एंड आई वॉज स्टॉकिंग देयर इन अ फिक्स्ड परसेंटेज विद हिम। ये आउटलेट रनिंग था तब मैं इनके साथ पार्टनरशिप में आई, तब वो नाम ऑलरेडी इन प्लेस था और उसके कस्टमर्स बन चुके थे। बट मेरी और थोड़ी सी अप्रिहेंशन थी कि सर मेरा नाम थोड़ा आना चाहिए, बट ही वॉज ऑल्सो राइट कि अगर हम एक नया नाम रखें तो उसके साथ एक नई एफर्ट करनी पड़ेगी। सो आई वेंट बाय व्हाट ही सेड एंड ही वॉज राइट इन द डिसीजन, इसके क्लाइंट बने हुए थे, देयरफॉर आई टुक ओवर। वेरी नाइस। हीरा से पूछते हैं कि उनको डिज़ाइनिंग करते हुए कितना अर्सा हो गया? जी हीरा, मुझे इन टोटल 2.25 साल हो गए हैं, बट कैप्टन साहब के साथ और गॉसमेयर के साथ एसोसिएशन में इट्स बीन द लास्ट 1.5 ईयर्स। अच्छा, तो ये बताइएगा कि सबसे पहले आपका कहीं और बुटीक था या आप घर से करते थी? मैं घर से करती थी, मेरा अपना फिक्स क्लाइंटेल था, वो क्लाइंटेल माशाल्लाह अब गॉसमेयर में मूव हो गया है एंड आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम होम एज सच, बट सारा सब कुछ सेटअप गॉसमेयर में ही है। I was working from home earlier. Very nice. अच्छा, ये बताएं कि आप जो हैं वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है या आप जो हैं वो अचानक से बोलते हैं एक दिन सुबह ख्वाब आता है कि नहीं मैंने बड़े होकर जो है या सुबह उठ के जो है डिज़ाइनर बनना है, तो इस तरह का कुछ नहीं? आई हैव डन अ शॉर्ट कोर्स व्हेन आई वाज इन माई बैचलर्स, उस वक्त ऑब्वियसली इतना शऊर नहीं था, आई वाज मोर टुवर्ड्स बैंकिंग बिकॉज ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स दे हैव बीन बैंकर्स, तो इसीलिए फिर मैं भी बैंकिंग के फील्ड में गई, देर आई केम अक्रॉस कैप्टन खालिद, देन व्हेन आई लेफ्ट माय वर्क तो फिर आई बम्प्ड इनटू हिम, तो उन्होंने फिर ऑफर दिया एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, बट इनिशियली मैंने जब कोर्स किया था छोटा सा, बट आई वाजंट टू मच इनटू डिजाइनिंग, मेरा स्कोप ये नहीं था, माई फोकस वॉज समवेयर एल्स, बट आई वॉज डूइंग दिस। आपके डिज़ाइन मैंने देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं हम लोग इंटरव्यू करते हैं, आपने खुद, मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, और सारे जो हैं वो न्यू से न्यू पैटर्न पे, मैंने ज़्यादातर इनके जितने भी ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर देखे हैं और यहीं पर देखे हैं कि इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अच्छा जी, हीरा से ये पूछेंगे कि हीरा की कोई हेल्प करता है या अकेले ही डिज़ाइनिंग करती हैं? नहीं, मैं अकेले डिज़ाइनिंग करती हूँ,
और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का इंस्पिरेशंस हैं बट आई डोंट कॉपी डिज़ाइंस अल्लाह का शुक्र है बिकॉज दिस इज़ माई पैशन एंड नो वन हेल्प्स मी आई हैव लॉट ऑफ हेल्प इन शेप ऑफ टेलर्स बट नो वन असिस्टिंग मी मैं आई एम अ वन मैन शो कैप्टन खालिद से गाइडेंस लेती हूँ व्हेन इट कम्स टू द अदर मैटर्स ऑफ द बुटीक बट डिज़ाइनिंग मैं खुद करती हूँ यहाँ जी अच्छा जी जाते जाते आपके बहुत सारा पूरा पाकिस्तान देख रहा है पाकिस्तान से भी बहुत सारे बाहर लोग देख रहे हैं तो उनको जाते जाते क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री इतनी रिच है कल्चर के लिहाज से कपड़े के लिहाज से हमारे यहाँ ऐसे कारीगर हैं प्लीज़ बिलीव इन आवर कंट्री एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर दिस इज़ हाउ वी विल ग्रो अदरवाइज हम लोग पास आउट हो जाएंगे दैट्स ऑल थैंक यू सो मच आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा तो अब चलते हैं और इनके कपड़े देखते हैं और यकीनन आपने यहाँ पर आना है जमदमा फोर्ट लेन में और आके यहाँ पर परचेज करना है तो सबसे पहले इनके कपड़े देखते हैं चलिए ड्रेसेस दिखा रहे हैं हेरा के जी हेरा इस ड्रेस के बारे में बताइएगा सनम ये डबल शेड है एक्चुअली हमारे शिफॉन्स में और नाइट वेयर में थोड़े डार्क कलर्स चलते हैं और पार्टी वेयर में वी मेक टुवर्ड्स अ लाइटर टोन सो दिस इज क्लोज टू अ पार्टी वेयर और फॉर अ न्यूली वेडेड ब्राइड हु वांट्स टू वेयर फॉर द थर्ड और द फोर्थ डे ऑफ हर वेडिंग तो ये हमारा वो है एंड देन कम्स दिस पार्ट और ये भी हमारी जिस तरह एंगेजमेंट वेयर में और उस तरह पहन सकते हैं ये भी हमारी फॉर्मल वैरायटी का एक बहुत कस्टमर की डिमांड पे ये तीन चार सूट पीस हम रिपीटेडली बनाते हैं पर मंथ हम बनाते हैं दिस इज फॉर द पार्टी वेयर जिस तरह पार्टी में लाइट कलर्स चलते हैं ये है टेल स्टाइल और टेल में ये होता है कि द फ्रंट इज शॉर्टर देन द बैक और इसमें फिर ये है कि ये कलर ऐसा है लाइट है इसमें पार्टीज में भी पहन सकते हैं इवनिंग में भी पहन सकते हैं और ये मेहंदीज वगैरह के लिए बहुत प्रेफरेबल है एंड फिर ये हमारी है ये है 52 कलीज वाला हमारा एक जी एंड द फ्रंट इज डिफरेंट द बैक इज डिफरेंट एंड इट हैज 3 कलर्स लेकिन इतने मर्ज्ड है माशाल्लाह कि कोई स्टैंड आउट नहीं कर रहा है हाँ जी बिल्कुल और द बैक इज इन 2 कलर्स दिखाइएगा बैग जरा बिल्कुल हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं कि हमारे बैग कैसी है वाओ वेरी नाइस वेरी प्रिटी वन ऑफ माय हॉट फेवरेट्स इज दिस व्हिच इज अ पार्टी वेयर ड्रेस वेरी प्रिटी एंड दिस इज अ पार्टी वेयर ड्रेस और हमारे यहाँ पे हर ड्रेस जो है मिनिमम जिसका यार्डेज होता है या मिनिमम उसकी जो एक फ्लेयर होता है दैट इज अ मिनिमम 4 yards, 5 yards हमारा मिनिमम हम यूज करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 yards ऑफ फ्लेयर और बाकी सब हमारी कैजुअल रेंज है अगर कैजुअल भी है तो हम देखते हैं हमारा कैमरा फोकस कर रहा होगा इस तरफ सारा जो है वो कैजुअल है तो आप देखिए इंजॉय करें और आपने यहाँ पर जरूर आना है तो चलते हैं देखिए